ये कैसे हो सकता है? जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता वो सब कुछ खो देता है निकोला। मजबूत होने का मतलब ये है अपने गुस्से को दुश्मन की तरफ मोड़ना, न के अपनी तरफ। आखिरी बार था। सब्र करो निकोला, सब्र करो। आप मुझे सब्र का कह रहे हैं उस्ताद आरियोस? मैंने इस सारे अरसे में आखिर और किया ही क्या है? सब्र ही कर रहा हूं, लेकिन क्या वक्त नहीं आ गया कि मुझे इस सब्र का सिला मिले? उस्मान इनागोल को फतह करने के लिए जो सामान जमा कर रहा है उसको तबाह करना तुम्हारे सब्र के लिए एक बहुत अच्छा इनाम होगा निकोला। मैं अब एक लम्हा भी इंतजार नहीं करना चाहता। उस्मान को नुकसान पहुंचाने से पहले मुझे नींद नहीं आएगी। फिर तुम्हें ज्यादा देर नहीं जागना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द ही हम उस ठिकाने को तबाह कर देंगे। आपने मुझे याद किया जनाब। उस्मान साहब ने क्या किया? पहले जी को तुर्कों की सरजमीन बना दिया। उस्मान साहब ने क्या किया? जुल्म और सितम का खात्मा किया। उस्मान साहब ने क्या किया? इन्होंने अपने बच्चों को बचाया। बोलो उस्मान साहब ने क्या किया? हमारे लिए बहुत से नए दरवाजे खोले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, रमजान मुबारक की मुकद्दस रात है और हमें बहुत बड़ी फतह नसीब हुई है। अपने उस परवरदिगार के शुक्र गुजार हैं हम लोग। विलेज ए कला आज से तुर्कों की मिल्कियत हुआ। हम यहाँ पर सहरी करेंगे ना बाबा? बिल्कुल हम करेंगे। आज सेंसर जमीनों में एक साथ मिलकर बहुत सारी सहरियां और इफ्तारियां हम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। विलेज कला अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हमेशा तुर्कों का और इस्लाम का मुल्क होगा। तुर्कों का झंडा यहां लहराया जाएगा और हमारी अजानों की आवाज कभी बस नहीं होगी। हम यहां इफ्तार भी करेंगे और बहुत सारी हम लोगों की सहरियां भी होगी इस सरजमीन पर। मेरे भाइयों, बहादुरों, रास्ता इंतहाई कठिन है, आपने मगर घबराना नहीं है। बहुत शुक्रिया, हर वक्त हमारे साथ रहे आप लोग और इसी वजह से फतह आसान हुई है। और ख्वातीन, हर वक्त साथ दिया मेरा आप दोनों ने, सलामत रहिए। हुजूर आपके साथ हैं।
लेकिन हम अब रुकना नहीं चाहते, बल्कि नई फतुहात के लिए कोशा रहेंगे। हम नहीं रुकेंगे। हम लोग जब तक जिंदा हैं, ख्वाब देखते रहेंगे और उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह उस्मान साहब, हम अपने बच्चों की परवरिश इसी ख्वाब के साथ करेंगे। इंशाल्लाह। हमारा अगला हदफ है नकोल। जुम्मे के दिन इनाकोल के सामने खड़े होके हम लोग मिलकर दुआ करेंगे और इंशाल्लाह हम रोजा भी इनाकोल में इफ्तार करेंगे। अब ये फतह का वक्त है। अब बेलेजिक कले का ताल्लुक तुर्कों से है, मगर ये कभी मत भूलना, हम यहां पर आरजी हैं। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। हम उसी की राह में जंग करते हैं और फतह भी उसी के लिए हम हासिल करते हैं। अल्लाह का दीन और पैगाम दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया जाएगा। अल्लाह।